स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल CHO एकेडमी। दोस्तों, स्टाफ नर्स की वैकेंसी रिलीज कर दी गई है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। जो कैंडिडेट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि कैंडिडेट वीडियो को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं। तो जो भी कैंडिडेट इस टाइम वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, जो वैकेंसी इस बार निकली है वो गवर्नमेंट ऑफ आंध्रा प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन NHM की तरफ से आंध्र प्रदेश में वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि वैकेंसी कब से स्टार्ट हो रही है, लास्ट डेट क्या है, फॉर्म फीस क्या रहने वाली है। तो पॉइंट नंबर 1 में आप देख पा रहे हैं कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट इन स्टेट टेलीमांस सेल ऑन आउटसोर्सिंग बेसिस अंडर NHM आंध्र प्रदेश। द एप्लीकेशन फॉरम इज़ अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर ऑफिशियल वेबसाइट डाली हुई है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको द एप्लीकेशन सेल डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉरम, उसके बाद मेल द स्कैन कॉपी ऑफ द फील्ड इन एप्लीकेशन एंड इनक्लोजर टू द ईमेल आईडी। ठीक है दोस्तों, ईमेल आईडी भी डाला हुआ है, उस पर आपको सेंड करना है। कब से कब तक? द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 30/12/2022। तो अभी भी आपके पास टाइम बचा हुआ है। जो कैंडिडेट इच्छुक कैंडिडेट हैं, इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी इंटरटेन। 3 नंबर पॉइंट है, द एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ कमीशन ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, कीप देम सेल्वेज अपडेट ऑन ऑल स्टेप रिजल्ट अंटिल कंप्लीशन ऑफ द रिक्रूटमेंट। उसके बाद है एज लिमिट है, वो अप टू 42 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन डाला हुआ है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो ₹500 यहाँ पे रखी गई है। उसके बाद में कैंडिडेट सेल मेल देयर स्कैंड कॉपी, जो अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको ईमेल आईडी के ज़रिए आपको भेजना होगा। ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को सबमिट करना होगा। उसके बाद में जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की, वो 21 बार से स्टार्ट हो चुकी है और जो लास्ट डेट है वो 30/12 तक है। पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो 2/1 को जारी कर दी जाएगी 2023 में। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑब्जेक्शन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो आपको 3 जनवरी को आप लगा सकते हैं। पब्लिकेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है वो 4 जनवरी को डाल दी जाएगी। उसके बाद ऑब्जेक्शन ऑफ प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, उस पर आप 7 तारीख को लगा सकते हैं और जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट होगी वो 8 तारीख को जारी कर दी जाएगी। उसके बाद में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट है वो कैसे कैसे है। सीनियर कंसल्टेंट है, कंसल्टेंट की क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक सोशल वर्कर, साइकेट्रिक नर्स की और काउंसलर और टेक्निकल कोऑर्डिनेटर की। यहाँ पे पोस्ट है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज डाली हुई है, पोस्ट वाइज सैलरी यहाँ पे डाली हुई है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये क्वालिफिकेशन डाला हुआ है स्टाफ नर्स का। हम यहाँ पे जानते हैं कि जो साइकेट्रिक नर्स है उसका क्या, MSc इन साइकेट्रिक नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट एज पर इंडियन नर्सिंग काउंसिल, डिजायरेबल में है, क्लिनिकल एंड रिसर्च एक्सपीरियंस, टेली मेडिसिन एंड टेली ट्रेनिंग एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विथ डिसिप्लिनरी रिसर्च टीम्स असेंशियल, ये काउंसलर की आ गई। उसके बाद है ये कुछ फॉर्मेट है जो आप लोगों को भर के सेंड करना होगा। तो जो इच्छुक कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।